हाँ भाई, दोनों पार्टी बोला फटाफट। फलाना ढिमाका हाजिर हो। फलाना ढिमाका कौन है? आदमी झूमे तो बुला सबको। फाल तो मत ना बोल रहे, कहीं से बनाऊंगा अभी जज का चुता। मैं बकचोदी की दुनिया के सबसे पवित्र ग्रंथ लीलू पुराण की कसम खा के कहता हूँ कि जो बकूंगा बकचोदी बकूंगा, बकचोदी के अलावा कुछ नहीं बकूंगा। साहब, जो इसने कही वही मेरा। सेम टू यू। हाँ तो मोहतरमा, आप ही बताइए, आप इसे शुरू करते हैं। आपको अपने बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है आखिर? साहब क्या बताऊं, ये मुझ पे बात बात पे शक करता है, मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता। ये क्या ट्रस्ट नहीं करता? जसाब, इसके 32 खूंखार दत्तों के बीच में मैं अपनी नन्ही सी जान रख दूं और यो कैरी ट्रस्ट नहीं करता। देखे, आप दोनों से गुजारिश की जाती है कि बिल्कुल भी झगड़ा ना करें अदालत के सामने, ठीक है? अदालत को अपना काम करने दीजिए, आप दोनों को बराबर मौका दिया जाएगा बोलने का, ठीक है? तो महोदय, आप बताइए, आपको इन मोहतरमा से क्या दिक्कत है? ये तो काफी सुंदर सुशील लग रही हैं, एकदम चांद सा चेहरा है इनका। चांद जैसी? समझा भाई? अरे जज साहब, जिनके चेहरे चांद जैसे, नखरे भी उनके राण जैसे। बिल्कुल सही बात है, इनका वही हाल है कि साला छेद एक और नाटक अनेक। देखिए वकील साहब, आपसे गुजारिश करता हूं मैं कि इन्हें बोलने दीजिए, इनके साथ दिक्कत है ये बताएंगे, ठीक है? आप बीच में ज्ञान मत चोदिए, ठीक है? हाँ तो महोदय, आप बताइए, आपको दिक्कत क्या है? और तो क्या जज साहब, हम बचपन से आज तक गुटकी डली चाट चाट के बड़े हुए, और इसे 350 वाला चॉकलेट वाला गुड़ अकेली को चाहिए, और घर पे सुक्के टिक्कर पे सब्जी धर के खाने वाली बॉयफ्रेंड की गैल बर्गर पिज्जा से नीचे बात नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जैसा मेरे क्लाइंट ने, इनकी इन लड़कियों की ऐसी सही फरमाइशों की वजह से हर बॉयफ्रेंड का दिल जलता है। अरे कोई इन साले से पूछो तो सही, साला पैसे का बॉयफ्रेंड के लंड पे लगता है। अच्छा मतलब क्या कहना चाह रहा तू? नमक लगे ना फटकी, फट गिर के मान लो इसकी गर्लफ्रेंड चाहिए जैसा भी नहीं, पर पैसा खर्च ना हो। ऑर्डर ऑर्डर, अरे मत जान गया तुम्हारा ऑर्डर, मतलब चॉकलेट देता तो गांड फटे और चाहिए चूत चोकोबार। हाँ देवी जी, शांत शांत हो जाइए, हम पूछ रहे हैं, हम तहकीकात कर रहे हैं इस बात की। हाँ तो वकील साहब, आप बताइए, आपके क्लाइंट पर आरोप है कि ये सारा झगड़ा चूत चोकोबार का है, मतलब लेने देने के ऊपर है, तो आप एक्सप्लेन कीजिए इस बात को। हाँ जैसा लेने देने की सुनो, हम बताऊंगे। देखिए जब से ये ओयो रूम सा है, इन लोंडियों को पहचो राम चले दिए। अरे जो लोग एक छप्पर तीन टप्पर में दे भगा दी, उन्हें भी पहचो एसी में चुदने का सोच रहा है, बताओ। और तो और जज साहब, इनका यो शौक भी पूरा करते हैं, मैंने कम से कम खुद 50 बेरोयो रूम बुक करा, पर उसमें से इनने मुझे कम से कम 48 बार दी नहीं। क्या मतलब, अगली ने 50 बार ओए में जाने के बावजूद भी 48 बार दी भी नहीं? ये तो सरासर साला गुड़ दिखाकर डाला मारने वाली बात होगी भाई। इस बहन की बड़ी क्या तुम्हें शोर गवाल है? अच्छा जज साहब, आप मुझे एक बात बताओ, प्यार में सेक्स जरूरी होता है क्या? अरे प्यार तो रोज से भी हो सकता है। मैडम, ऑल इंडिया बॉयफ्रेंड अधिकार अधिनियम के तहत सेक्स एक तरह का टैक्स होता है, जो बॉयफ्रेंड को दी जाने वाली टेंशन और सिर दर्द के बदले गर्लफ्रेंड पर लगाया जाता है, तो ये तो बहुत जरूरी होता है। जज साहब, सच बात तो ये है, ये लड़कियां इन बॉयफ्रेंड के लड़के इमोशन कभी समझ ही नहीं सकती। ऑब्जेक्शन मिलोर, लड़के इमोशन? जज साहब, ऐसी बातों से ये आपकी गांड में घुसकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। साले ढोर, ये लोगी डिग्री दे किसने दी, जो कि यही नहीं पता कि लड़के जज्बात हो या नहीं होते हैं?
कैलेंडर रोता नहीं है? क्या ये कभी उदास नहीं होता है? क्या कभी ये लड़कियों के सम्मान में खड़ा नहीं होता? क्या बड़ी से बड़ी चोट सहकर भी क्या ये झुक नहीं जाता? अरे और तो और अपनी चड्डी के अंदर झांक कर देख दरिंदे, ये नन्ना सा परिंदा मुस्कुराता भी है। अब नहीं यकीन आता तो आता घूम कर यहाँ बैठ कर देख देख। जज साहब ये कुछ भी भोग के जाओ, पर सारी दुनिया को पता है ये लड़के बेवफा होते हैं, बेवफा। ऑब्जेक्शन मिलोर, मोहब्बत दो लोगों के बीच का एक अजीब सा नशा है, और जिस बहन के लवड़े को या किसी बहन की लवड़ी को पहले अकल आ जा बस वही बेवफा है।